नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं इटावा की जो लाइटिंग व्यवस्था है रात में किस तरीके से काम करती है NH2 पर। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम NH2 पर चल रहे हैं और ये जो लाइटिंग है इटावा में लगा दी गई है और इसके बाद से जो इटावा की रोड है उसका एक अलग ही नज़ारा दिखाई देता है। तो हम बाइक से इस पूरे रास्ते तक कवर करेंगे जहाँ तक ये लाइटिंग लगी हुई है और आप देखिए कि कितना अच्छा नज़ारा ये लग रहा है। और इस समय हम पक्का बाग के ऊपर जो ओवरब्रिज बना है नया, उसी से गुजर रहे हैं। पर दोस्तों ये ओवरब्रिज खत्म होता है, अब प्लेन रोड आ गई है। तो आपको बता दें कि इस समय हम लोग बाइक से घूम रहे हैं और बाइक की स्पीड इस समय लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप देख सकते हैं बाइक से घूमने का एक अलग ही मज़ा है और पूरा जो लाइटिंग है कितनी शानदार लग रही है आप देख सकते हैं। और हम लोग इटावा की जो रेलवे लाइन है उसका जो पुल बनाया है NH2 पर उससे निकल रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो अब ये भरतना चौराहा और फरकाबाद रोड के लिए NH2 पर जो कट है वो आ गया है। भरतना के लिए रोड दी है ये, उस पर ओवरब्रिज है जहाँ से हम निकल रहे हैं। और जो फरुखाबाद बरेली के लिए रोड गई है उसके ऊपर जो ओवरब्रिज है वो ये ब्रिज है जहाँ से हम निकल रहे हैं। सर्दी की वजह से जो हल्का सा कोहरा है उसकी वजह से जो लाइट है वो बड़ी ही अच्छी दिखाई दे रही है, उसके जो कण हैं एकदम फैलते हुए से दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल्स। तो ये देखकर रात में आप गाड़ी चलाते वक्त आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसा एक्सप्रेस वे वगैरह पे लगता है, जबकि ये NH2 है जो इसमें अब काफ़ी सुधार कर दिया गया है। इटावा में जो अजीत नगर है वहाँ से एक रोड निकली है और जिसके ऊपर ये ओवरब्रिज है जहाँ से हम निकल रहे हैं। और अब हम पचावली रोड के ऊपर से जो ओवरब्रिज है उससे निकलेंगे। जी हाँ, अब उससे निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक ये लाइटिंग जल रही है। अब यहाँ से एक तरफ की लाइटिंग बंद हो गई है और दूसरी तरफ चल रही है और इस समय स्पीड 90 के करीब है बाइक की।
और एक तरफ की लाइटें जल रही हैं और दूसरी तरफ है वहाँ पर अभी उस पर काम चल रहा है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ही आगे बस लाइटिंग खत्म हो जाएगी